क्या आपको पता है कि शाहरुख खान स्टार ऑफ फिल्म बाजीगर में एक ऐसा गाना था जो कि शाहरुख खान पे तो फिल्माया नहीं गया था, लेकिन उस फिल्म के रिलीज के कई सालों के बाद आमिर खान की एक फिल्म में यूज किया गया था। वेलकम टू जी शॉर्ट्स एंड दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगामा। अगर हम बाजीगर फिल्म की बात करेंगे तो म्यूजिक था बाय अनु मलिक, वो तो आउटस्टैंडिंग था, एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने थे। लेकिन उस जमाने में फिल्म की जो ऑडियो कैसेट्स आती थी उसमें फिल्म के जो गाने होते थे उसे और एक दो गाने एक्स्ट्रा रखे जाते थे। बाजीगर फिल्म में भी दो एक्स्ट्रा सॉन्ग्स थे जो कि फिल्म में यूज नहीं किए गए थे लेकिन उसकी ऑडियो कैसेट में, जो फर्स्ट ऑडियो कैसेट आई थी उसमें थे। अब इसमें से एक सॉन्ग था तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है। चलिए पहले तो आपको इस गाने की एक लाइन सुना देता हूँ। तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है। अब इस सॉन्ग को फिल्म में तो यूज नहीं किया गया था लेकिन इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, दैट्स वीनस प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने कई सालों के बाद एक और फिल्म बनाई जिसमें आमिर खान थे एंड मनीषा कोइराला थी। फिल्म का नाम था अकेले हम अकेले तुम। म्यूजिक अगेन अनु मलिक का था। मनीषा कोइराला फिल्म में एक एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही है और जब उनकी एक फिल्म रिलीज होती है तो उसे आमिर खान और उनके बेटे देखने जाते हैं और उस फिल्म के अंदर मनीषा एक सॉन्ग पे डांस करती है। एनी गेसेस कौन सा गाना था? यस, वही वाला गाना था। डोंट बिलीव मी, चलिए खुद ही देखिए। भाई ऐसी सारी छोटी छोटी हरकतें हम पकड़ते हैं और इन्हीं हरकतों के लिए सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो नशा।